क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा देखेंगे। जैसे एक वर्ग फीट में कितने नाली होगा, या नाली बीघा एकड़ और हेक्टेयर में क्या संबंध है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल को उठा लेते हैं। जैसे एक वर्ग फीट क्या है, तो एक वर्ग फीट लैंड का वो पीस है, जमीन का वो टुकड़ा है जिसकी चार साइड होंगी और प्रत्येक साइड जो है एक एक फीट की होगी। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है, चार साइड है, एक फीट एक फीट एक फीट एक फीट। तो ये जमीन कितनी कहलाएगी, एक वर्ग फीट, यानी इसका क्षेत्रफल जो है एक वर्ग फीट कहलाएगा। तो जमीन का ये टुकड़ा जिसकी चारों भुजाएं बराबर है एक एक फीट की, तो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से उसको जो है एक वर्ग फीट जमीन कहलाए कहा जाएगा। ठीक, उसके बाद एक वर्ग मीटर में कितना वर्ग फीट होगा, तो एक वर्ग मीटर बराबर 10.76 वर्ग फीट होगा। ठीक, वो और उसी तरह से एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट होगा। अब रही बात नाली में, तो एक नाली में कितना वर्ग फीट होता है, तो एक नाली जमीन में 2160 वर्ग फीट होगा या 200.67 वर्ग मीटर होगा। ठीक, एक नाली जमीन जो है लगभग लगभग 200 वर्ग मीटर के बराबर हो गई। और गज में कहेंगे तो 240 वर्ग गज, एक नाली में 240 वर्ग गज आएगा। ठीक, उसी तरह से आप बीघे में जाएं, तो एक बीघे में जो है 6804 वर्ग फीट होगा, और उसको नाली में चेंज करेंगे तो 3.15 नाली एक बीघे में। ठीक, अब एकड़ में जाएंगे, तो एक एकड़ में जो है 43,200 वर्ग फीट होगा, नाली में चेंज करेंगे तो 20 नाली हो जाएगा, और बीघे में चेंज करेंगे तो 6.4 बीघा। ठीक, तो उसी तरह से बीघे में थोड़ा सा चेंज होता है, स्टेट टू स्टेट जो है बीघे में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। कहीं पर क्या है कि जैसे यहाँ पर बीघा हमने ले रखा है कि 6804 वर्ग फीट का बीघा ले रखा है, तो हो सकता है कि ये उत्तराखंड के लिए है ये, लेकिन ये निश्चित है उत्तराखंड में यही है। तो और जगह ये हो सकता है कि आपका 6804 वर्ग फीट की जगह जो है कोई अन्य डिजिट हो सकती है, मान जाए, हो सकता है कि 8000 वर्ग फीट का एक बीघा माना जाए। स्टेट टू स्टेट जो है ये वेरी करता है, तो ये चीज को जो है नोट करना है। उसी तरह से अब रही बात एक हेक्टेयर में जो है कि कितनी जमीन आएगी, एक हेक्टेयर में जो है 1,07,568 वर्ग फीट जमीन आएगी। ठीक, और उसको हम बीघे में चेंज करेंगे तो ये 15.8 बीघा जमीन कहलाएगी, एक हेक्टेयर में 15.8 बीघा जमीन होगी। और एकड़ में चेंज करेंगे तो 2.47 एकड़ जमीन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा लगता है। ठीक है, ओके।